आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल से जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। बता दें, लगातार बिजली कर्मी 72 घंटे के हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से अब तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। जिले में लगभग 3000 कर्मचारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं 22 आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। बिजली कर्मचारियों की लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है, जिसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं इस बीच बिजली कर्मचारियों के हड़ताल को जल निगम का भी समर्थन मिल गया है। अब जल संस्थान कर्मचारी महासंघ विद्युत कर्मियों की हड़ताल का समर्थन करेगा। बिजली विभाग की हड़ताल से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस हड़ताल से बिजली कर्मचारी और प्रशासन के बीच आम जनता को पीस रही है। कुंड खोला, कुंड में वो पानी है, कुंड लिखतो है कि नाम इतना जिंदाबाद, कुंड लिखतो है कि नाम इतना पानी है, नीलकंठ जिंदाबाद। ये होती है लेकिन सरकार का रुख अब देख सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, बातचीत तो निगेटिव थोड़ा होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए, बहुत सी बातें हैं कर्मचारियों के हित में। आप पर भी FIR हो गई है, मुझे मालूम है। अब 749 पे आप पे भी FIR हो गई, मुझे मालूम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हमको तो, हमने थोड़ा FIR करवाया। नहीं, एक तरफ नहीं, एक तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तमाम पदाधिकारी बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ FIR की सूचना आ रही है, इसको लेकर क्या आप सरकार? चलिए, बहुत पानी है, जहां बिजली कर्मचारियों का लगातार हड़ताल जारी है। बता दें, बिजली कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं इन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से अब जनता को तमाम तरह की परेशानियां होने लगी हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल से जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। जिले में लगभग 3000 कर्मचारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफ तौर पर बिजली कर्मचारियों का हड़ताल लगातार जारी है। सरकार लगातार कर्मचारियों को समझाकर हड़ताल वापस लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बिजली कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी देर में शुरू होगी। कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी है वो अभी आंदोलनरत है, कई सूत्री मांगों को लेकर वो अपने कार्य का बहिष्कार किए हैं। बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और जो संघर्ष बिजली विभाग की संघर्ष समिति है, उसके पांचवें दौर की बात होने जा रही है 12:30 बजे से। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और जो तमाम कर्मचारियों का जो संगठन है उसके नेता आज पांचवें दौर की बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और माना जा रहा है कि आज रात
लगभग 10 बजे जो बिजली कर्मचारी है उनके 72 घंटे पूरे हो रहे हैं आंदोलन के, और इस आंदोलन से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां पांचवें दौर की बैठक होने जा रही है, चार दौरों की बैठक हुई है, मुलाकात हुई है, जिससे पूरी तरह से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को विफलता नजर आई है और कर्मचारी उनकी बातों पर सहमति बनाते हुए नजर नहीं आए हैं। अब बात करें तो मॉल एवेन्यू के सरगम गेस्ट हाउस में ए के शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं, साथ ही साथ जो तमाम उच्च विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी नेता हैं, उनके साथ पांचवें दौर की बैठक कर रहे हैं। और बात करें तो इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि जो आगे का कदम है। जिस तरह आप बता रहे हैं लगातार बैठकें हो रही हैं, इस मामले पर बातचीत हो रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसी कौन सी बिजली कर्मचारियों की मांग है जहां पर पेच फंस रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं अगर मयूरी तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। और बात की जाए तो अभी तक ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की जो तरफ से दिए गए आश्वासन है उसे जो तमाम कर्मचारियों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये बात बन नहीं पा रही है। माना जा रहा है कि जो पांचवें दौर की बात होने जा रही है राजधानी लखनऊ के मॉल एवेन्यू के संगम गेस्ट हाउस में, इसमें अब बैठक के बाद जो मुलाकात होगी इसके बाद कहना साफ होगा कि क्यों नहीं बातें बन रही है, मगर जो उनकी मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं कर्मचारी नेता जो हैं, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जो उनके नेता हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब संतुष्टि के लिए पांचवें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। बात की जाए तो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ भी प्रभावित नजर आ रही है, जहां आपने देखा कि श्रृंगार नगर में कल रात लोग फीडर बंद होने के बाद मोमबत्ती लेकर सड़कों पर अपनी मांग रहे थे कि इस बिजली की जो सुचारू ढंग से व्यवस्था स्थगित की गई है, बाधित की गई है, उसमें सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे और इस मामले पर जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांग मांगी जाए। वहीं आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए एक बैठक बुलाई, जिसमें बात की जाए तो यूपीपीसीएल के चेयरमैन देवराज, साथ ही साथ सूबे के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा समेत तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद से माना जा रहा था कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया है तो अब आगे की स्थिति साफ होगी, मगर आपने देखा कि जो कार्रवाइयों का दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश के अंदर में 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों के ऊपर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही बात की जाए तो जहां ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा पहले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई अराजकता उतरेगा, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो उसके ऊपर एनएसए और राशुका लगाई जाएगी। तो ये भी स्थिति आपको बता दें कि कई कर्मचारी नेताओं, जो इनका संगठन है कर्मचारियों का, उसके कई नेताओं पर भी कार्रवाइयों का दौर हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुवार्ता में क्या जो संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है, क्या उनकी तरफ से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से जो कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कोई बात रखी जाती है, और जो उनकी मांगे हैं उस पर क्या उनकी तरफ से बात रखी जाती है, उसकी जानकारी आपको हम जरूर देंगे। और प्राइम टीवी अगर बात की जाए तो विद्युत विभाग के इस पूरे आंदोलन पर, पूरे हड़ताल को सक्रियता के साथ, प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, और हम इस बैठक को भी आपको जरूर बताएंगे। जी जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बता दें उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है, 72 घंटे के हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से अब आम जनता को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत हो रही है आम जनता को, कहीं बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं एक बार फिर से पांचवें दौर की बैठक होगी। बता दें ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी ही देर में होगी। बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर आगे क्या कुछ होगा। बता दें मॉल एवेन्यू के संगम गेस्ट हाउस में थोड़ी देर बाद ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संघ समिति के नेताओं के बीच बातचीत होगी। सरकार लगातार कर्मचारियों को समझा कर हड़ताल वापस लेने का प्रयास कर रही है, और इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है, कानपुर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी मयूर, आपको बता रहा है कानपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, और देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर को जो देश का मानचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा उद्योग है
वहां पे देखा है तो कानपुर में दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया, पंकी इंडस्ट्रियल एरिया, जो सारे इंडस्ट्रियल एरिया है उनकी जो है पूरी तरीके से जो बिजली है वो पूरी गुल है। लगभग देखा जाए तो 133 केवी की लाइन जो है वो पूरी फॉल्ट है, और अब तक देखा जाए तो कानपुर उद्योग क्षेत्र से लगभग 40 करोड़ रुपए नुकसान हो चुका है। उपेंद्र, देखा जाए बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं, फिर चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो इसे कैसे निपटा जाएगा? जी, मेरे बता रहा कि आपको जो संविदा कर्मचारी, उनका साफ कहना है कि जो मेरी मांग है, इससे पहले भी सांकेतिक जो धरना हो चुका था उसको लेकर के, अगर जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो लगातार जो बैठक जारी कर रखे हैं उसको लेकर देखा है तो कानपुर में पहले दिन जो है 1300 संविदा कर्मचारी उनको बर्खास्त किया गया, और आज सुबह जो है लगभग 243 कर्मचारियों को जो है बर्खास्त कर दिया चुका है। मतलब कुछ यहाँ लोगों का साफ कहना है कि जो कर्मचारी हैं उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई करते चले आ रहे हैं, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो अगर ये हड़ताल स्ट्राइक नहीं खत्म करते हैं तो कानपुर के इसको एमडी उनका साफ कहना है कि जल्दी मुकदमा लिखा जाएगा लोगों के खिलाफ। जी उपेंद्र, थोड़ी देर में ऊर्जा मंत्री और कर्मचारी संघ के बीच बातचीत होगी, इससे पहले भी बातचीत हुई जो विफल रही, अब आगे क्या कुछ हो सकता है? इन संविदा कर्मचारियों को जो स्टाक बैठे हैं उनका साफ कहना है किसी तरीके से जो आउटपुट जो बिल्कुल होते आउटसोर्सिंग जो है वो उस तरीके से पूरी तरीके से जो बिल्कुल इनको कुछ मिल नहीं रहा, जहां पर भर्ती होनी चाहिए वहां भर्ती नहीं खाली है, लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा, 10 साल हो जा रहा है उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखा है तो जो पोस्ट खाली पड़ी है उन पर कोई काम करने को तैयार नहीं सरकार, और बता रही है कि कैसा जो विद्युत विभाग है वो घाटे में जा रही है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। बता दें लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल से जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। वहीं इस हड़ताल पर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। बता दें लगातार बिजली कर्मचारियों का हड़ताल जारी है, और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेशवासियों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिजली कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों की जिद लिए बैठे हुए हैं। वहीं लगातार सरकार कर्मचारियों को समझा बुझा कर हड़ताल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल से जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। लगभग 3000 कर्मचारियों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है। बता दें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और मंत्री के बीच अभी थोड़ी ही देर में बातचीत होगी, इससे पहले भी 4 दौर की बात हो चुकी है जो बातचीत विफल रही, अभी 5वें दौर की बातचीत थोड़ी ही देर में शुरू होगी, और देखने वाली बात रहेगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। और एक बार फिर से कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, आप मौके पर मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। आपको बता देना कि हमारे साथ जो है यहाँ पर धरने पर जो कर्मचारी है वो पूरी तरीके से देखे बैठे हुए, किसी के महिला कर्मचारी हैं, और देखा जाए कहीं ना कहीं देखे पूरी तरीके से जो पुरुष कर्मचारी वो भी यहीं पे हैं, और इसके बाद देखा जाए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि क्या किस संबंध मिलेगा इनका, क्या आउटसोर्सिंग है इनकी। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, जो सरकार जो है ऊर्जा मंत्री जो है वो आश्वासन दे रहे लगातार आप लोगों को, उसके बाद बातचीत भी लगातार हो रही है, और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं संबंध बर्खास्त किया जा रहा है और FIR की धमकी दी जा रही है, क्या करना चाहेंगे? हम सब के लिए तैयार हैं, FIR करा दें कोई बात नहीं, लेकिन वो हम लोग अपनी जो मांगे हैं अगर वो पूरी हो जाएंगे तब लोग हड़ताल खत्म कर देंगे। देखा जाए कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ और भी कर्मचारी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं इंद्रजीत पंडित अवरवेंता हूँ, और ये जो हम लोगों की हड़ताल चल रही है बिजली विभाग की, ये पिछले 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हम लोगों के संघर्ष समिति के अध्यक्षों के साथ जो है पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई
थी उसमें समझौता हुआ था 14 बिंदुओं पर, और उन 14 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु पर अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई या लागू उसको नहीं किया गया है। इसी को लागू कराने के लिए जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू कराने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। अगर देखा जाए कहीं पहले से जो उपभोक्ता जो है जो कंज्यूमर है वो पहले से लेकर के अभी तक जो लगातार जो है वो उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करते आ रहा है, कहाँ से लग रहा है कि केसा विभाग जो है वो कहाँ से घाटे पर जा रहा है? देखिये ये हमारी लड़ाई जो किसी भी पब्लिक से किसी भी विद्युत उपभोक्ता से नहीं है, ये हमारी जो लड़ाई है हमारे प्रबंधन से है। जो विभाग है हमारा कुछ विभागीय कर्मचारियों की हित के लिए जो हमें पहले से मिलता रहा है उस चीज को हमसे छीना गया है, इस चीज की डिमांड है हमारी प्रबंधन से। हमारे किसी भी विद्युत उपभोक्ता या किसी भी सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध अपने प्रबंधन से कर रहे हैं। जो हमें तनख्वाह मिल रही थी, जो हमारी इंक्रीमेंट लग रहे थे, जो हमारी सुविधाएं थी अलम्बी 10 की, इस तरह की जो व्यवस्थाएं मिल रही थी इसको छीन लिया गया। जो पहले हमसे हमको मिलता रहा है ये सब छीनी जा रही है। इसके लिए देखा जाए सरकार से अब लगातार मीटिंग हो चुकी है, आज 5वीं मीटिंग होनी है, अभी थोड़ी देर बाद जो है ऊर्जा मंत्री से मीटिंग होनी आ रही है आपकी कमेटी से, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस बात लेकर अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है और लगातार जो कार्रवाई होती जा रही है कर्मचारियों पर उस पर क्या कहेंगे? देखिए जो कार्रवाइयाँ हैं मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूँगा, हम लोगों का पहले से नोटिस दिया जा चुका है कि अगर इस हड़ताल के समय में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर कोई भी कार्रवाइयाँ होती प्रबंधन के द्वारा, ये हड़ताल अभी तो 72 घंटे का था और ये निश्चित ये जो है हमारा अनिश्चितकालीन हो जाएगा। और आप खुद बता रहे हैं कि ये बार बार वार्ताएं हो रही है, विफल हो रहा है। जब 3 दिसंबर को समझौता हो चुका है, वार्ताएं हो चुकी थी, समझौता हो चुका था, तो उसको लागू करने में फिर क्या दिक्कत है? और दोबारा अगर हम समझौता करने जा रहे हैं तो किससे करने जा रहे हैं? जिनसे समझौता हो गया फिर उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। जो लागू करेगा माननीय हमारे जो चेयरमैन है एम देवराज जी हैं, उनको लागू करना है, वो वार्ता करने के लिए आ नहीं रहे हैं। जब ऊर्जा मंत्री जी से पहले समझौता हो चुका है तो फिर दोबारा बार बार बात करने के लिए बुला रहे, कोई मतलब नहीं बनता है। हमारी डिमांड है जो समझौता हो चुका उसको लागू करें बस। जैसे कि ये स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक पर अगर किसी प्रकार की घटना या अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए हम लोग जो हड़ताल पे बैठते हैं, कभी भी कोई आंदोलन होता है तो पहले बखूबी हम अपने प्रबंधन को प्रशासन को पूरी नोटिस दे रखते हैं कि इस बीच में चूंकि हम लोग हड़ताल पे हैं, अगर कोई भी कार्रवाई होती है या कोई भी दुर्घटनाएं होती है, किसी प्रकार की जानमाली हानि होती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कानपुर के जो डीएम है उनको पूरी मॉनिटरिंग के लिए ये विभाग दिया गया है। जी उपेंद्र, वहां पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि उनकी 14 सूत्री मांगे हैं कहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, कौन सी मांग को लेकर लगातार इस पर बातचीत हो रही है। जी आप बताते हैं, आपको हमारे साथ और भी लोग हैं जो 14 सूत्री मांग को लेकर आप मांग करी जा रही है, उसमें कौन सी ऐसी मांग है जो मांग जो है आप लोग पूरी हो जाए, उससे लेकर आप लोग हड़ताल खत्म कर सकते हैं? सबसे बड़ी तो हमारी मांग ये है, जितने भी आपको यहाँ कर्मचारी दिख रहे हैं, आप देखते होंगे वैकेंसीज आती हैं, इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कहीं गिने चुनों का सिलेक्शन होता है। तो जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, जो हमारे निदेशक, प्रबंध निदेशक, चेयरमैन हैं, वो बिना चयन प्रक्रिया के कैसे भेज दिए जाते हैं? वो ना हमारे बीच से गए हैं, ना वो हमारे दर्द को समझते हैं और ना हमारे यहाँ की कार्य प्रणाली को समझते हैं। वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं, वो बहुत जीनियस होंगे हम मानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की होगी, लेकिन हम तकनीकी विभाग से आते हैं। अब आप ये बताइए, अगर सब इतने काबिल है तो ये इतना हम लोग बैठे हैं धरने पे और लोग चला ले, क्यों इतना ब्लैकआउट हो रहा है? इसीलिए जो हमारे बीच से व्यक्ति आएगा वो अपने कर्मचारियों को समझेगा, जनता की समस्याओं को समझेगा और उनका समाधान करेगा और सरकार की छवि धूमिल नहीं होगी। इसलिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण और पहली मांग है कि चयन प्रक्रिया प्रबंध निदेशकों के लिए, चेयरमैनों के लिए लागू की जाए, और ये मांग अगर हमारी मानी जाती है तो बाकी पर वो विचार करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं 14 सूत्रीय मांग, 14 सूत्रीय मांगों के लिए एक तरफ तो हमारे नेताओं को बुलाते हैं आप आइए वार्ता करिए। कल एक पत्रकार महोदय ने हमारे आदरणीय सरेश दुबे जी के से प्रश्न किया कि सर आपके ऊपर तो 749 पर FIR हुई है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जानता हूँ मेरे ऊपर FIR हुई है, और कह रहे फिर आपको वार्ता के लिए भी बुला रहे, तो कह रहे कि हाँ ठीक है मैं हूँ, तब भी संघर्ष हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तब भी संघर्ष होगा। ये हमारे नेताओं का जो हम पर प्रबल विश्वास है उसे हम बनाए रखेंगे, और अगर सही समाधान नहीं निकलता है तो हम अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बात है। देखा जाए तो उनका साफ कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो उसके लिए बैठे रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता
बता दें बिजली कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी 72 घंटे के हड़ताल पर हैं और आज ये 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा देखने वाली बात है।